न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंजीत। और इस वक्त हम रबुपुरा में हैं। रबुपुरा में इसलिए हैं क्योंकि पिछले दिनों जो तमाम चर्चाएं हो रही थी सीमा हैदर को लेके, उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ और वीडियो था मिथिलेश भाटी का। वीडियो तो वायरल हुआ जिसके बाद से विवाद भी बहुत सारे हो गए और वीडियो इतना वायरल हुआ कि फिर कोर्ट में नोटिस की बात होने लगी, बहुत सारी बातें हुई। और इसी पर बात करने के लिए रबुपुरा में इस वक्त मौजूद है मेरे साथ मिथिलेश भाटी हैं और गीता भाटी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। पहला सवाल मिथिलेश भाटी आपसे, जी आप बहुत फेमस हो गए, आपको अंदाजा है? हाँ, पता तो लगा है मुझे। कैसे बता रहे हैं सब लोग, अब तो मैं भी देख रही हूँ हर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और दूसरी और तीसरी वीडियो मेरी आ रही है। तो उसमें से आपको कोई वीडियो ऐसा था जो बहुत पसंद आया हो? आपको अंदाजा था कि आप इतना वायरल हो जाएंगे? जी अंदाजा तो कुछ नहीं था, बट हाँ जो भैया ने, गिटार वाले भैया ने बनाई है ना, उनका नाम मुझे नहीं पता, वो सबसे ज्यादा है क्योंकि उन्होंने इतना अच्छे से वो गाना बनाया है कि मैं बता नहीं सकती, एकदम सुर मिला के। अच्छा, आपको इस बात का अंदाजा कब हुआ, आपको पता कब चला कि आप वायरल हो गई? मुझे काफी टाइम बाद पता पड़ा। बच्चों ने कहा जब चाची, और चाची तुम तो हर इंस्टाग्राम पे आ रही हो, तुम वहाँ पे आ रही हो, उसका रीजन ये रहा लोगों ने मेरी फेक आईडी बनाई और बहुत सारे फॉलोवर कमाए, जबकि मेरी खुद की आईडी तो कोई नहीं है फॉलोवर। तो अब तो बन गई होगी आपकी आईडी? हाँ आईडी बन गया, बट फॉलोवर अब उस पे अब भी 2700 है। अच्छा गीता भाटी जी, मैं एक सवाल आपसे भी कर रहा हूँ, फिर मिथिलेश जी पे आऊंगा। बड़ी बात ये की विवाद क्यों है ये? नमस्कार भाई, विवाद इसलिए है, देखिए ये मेरी छोटी बहन है और बड़ी बहन का फर्ज होता है अपनी बहन का ख्याल रखना, लेकिन इसके एक गांव के नॉर्मल शब्द जो बेबाकी से बोले गए, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, किसी को हर्ट करने के लिए या किसी को इंसल्ट फील कराने के लिए नहीं थे, और इसने बोल दिए, और जब वो बोले उसके बाद अचानक वो शब्द वायरल हो गए, और जब वो शब्द वायरल हो गए रातों रात, तो फिर लोगों को पेट में दर्द हुआ कि एक इंसान जिसको कोई लेना देना नहीं था और उसने चार शब्द ऐसे बोले कि वो रातों रात वायरल हो गए, तो वो कैसे वायरल हो सकता है? ये तो एक नॉर्मल बात हो जाती है कि कोई भी कब कहाँ क्या बोलेगा और कौन सी चीज वायरल हो जाए, और इसको एक तरह से कह सकते हैं कि रातों रात स्टार बना दिया गया। उस स्टार होने का दर्द था, इसलिए फिर लोगों को पेट में दर्द हुआ और इतने सारे विवाद हुए। ओके, और कोई बड़ी बात नहीं। ओके, मिथिलेश भाटी आप उस दिन कहाँ थी जिस दिन आपने ये बयान दिया और क्या कर रही थी? मैं बाजार में गई थी सामान के लिए, घर से नॉर्मल सी बात है, कुछ महिलाएं जा रही थी वहाँ पे सीमा है करके, वहाँ के देख के आए, देख के आए, तो मुझसे भी जबरदस्ती कहा गया कि चलो चलो खींच खाच के। मैं बोली मैंने कहा, फिर मेरे मन में भी आई मैंने की ऐसी कहा चीज है जो इतना सब कुछ मिल रहा हो, तो हम गए वहाँ पे, वहीं पे रोड पे खड़े हुए थे, तो न्यूज वाले भैया थे बहुत सारे, मैं माइक हटा रही थी क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे बोलना नहीं आता था माइक वगैरह पे, पहला चांस था मेरा जो मैं बोली थी, तो मैं हटाते हटाते थक गई माइक को, फिर सुन तो हम भी रहे थे कि ऐसे पाकिस्तान से आई गलत, तो बस मेरे मुंह पे माइक निकला, जो मेरे मुंह में था वो मैं बोल दिया, और फिर उसके बाद वायरल हो गया। उसके बाद में वायरल हो गया। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं और एक उसमें से एक दो लोग स्पेशली जो लोगों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमने एक देखा वीडियो जिसमें आपने ही उनको रोस्ट कर दिया, तो ये आगे फिर क्या करने का प्लान है? आगे कुछ प्लान है इस तरह का करने का, कुछ यूट्यूब, कुछ आगे कुछ सोचा आपने? इतने वायरल होने के बाद कुछ तो दिमाग में आया होगा आपके? कुछ नहीं चल रहा है, जो चल रहा है जो आ रहे हैं कह रहे हैं कि भैया हमारे लिए, हम पे बोलिए वीडियो और मेरे को रोस्ट कीजिए या अदरवाइज कुछ भी, तो कहते हैं कि इसके जरिए हो सकता है कभी कामयाब हो जाएं हम भी। अच्छा, यही है चल रहा है। और एक सवाल और है कि वायरल होने का फायदा और नुकसान क्या हुआ मिथिलेश जी आपको? देखिए फायदा तो ये है कि आज मुझे हर एक इंसान जानता है, छोटे से लेके बड़ा तक। नुकसान ये है कि टाइम से खाना नहीं मिलता है, घर में आराम नहीं मिलता है, और इससे एक और बहुत अच्छी बात हुई है कि मेरे हस्बैंड को कोई नहीं जानता था, मुझे तो बतौर मैं आशा की जॉब करती थी तो मुझे बहुत जानते थे फिर भी, लेकिन आज की डेट में मेरे हस्बैंड को भी जानते हैं।